हाँ देखो अंकल, अगर टिकट इतना महंगा नहीं होता था घोड़े बैठने का, मैं क्या करूँ। वो तो क्या बोलते हैं, 400 का टिकट। हमारा माउंट आबू ट्रिप का डे 2 है। कल तो हमने गुरु शिखर और क्या क्या कहता था, आचलगढ़ फोर्ट और जैन मंदिर, और थोड़ी बहुत एक्टिविटी की थी बस। और आज देखते हैं कि आज क्या करना है, भी निकलेंगे बस। और बाकी है होटल, फिर हमने खाया था अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट पे दाल बाटी। ये रेस्टोरेंट बस स्टैंड की जो रोड आई है वैसे सीधा आना है और पुलिस चौकी से अपन को लेफ्ट मुड़ना है। और दाल बाटी पर प्लेट 200 रुपये में थी। तो गाइस अभी हम आ गए, तो अभी हम आ गए अपन ये पार्वती वैली करके कोई जगह, और ये कुछ ऐसे दिखती है। वहाँ से ट्रैकिंग करके आना पड़ता है। हमने गाड़ी बहुत दूर लगाई अभी। तो भाई आपने शोले पिक्चर की जो शूटिंग देखी है ना, वो वही हुई है वही। आगे चल जाते थोड़ा सा, ठीक है। और अभी बीच में हमें ये एक वाटरफॉल मिला है, और ये ऐसा कुछ है। अभी और आगे जा रहे हैं हम, वहाँ देखते क्या है, वहाँ से आ रहे थे। तो उसके बाद फिर ये ऐसा कुछ वाटरफॉल है यहाँ पर, ये है देख लायक। एकदम क्लियर पानी है यहाँ पर, और जगह तो सही है बिल्कुल। आज आओ तो जरूर विजिट करो। ऐसी बाड़ी वाड़ी है, और ऐसा आना पड़ेगा आपको। तो अभी हम आ चुके हैं गौमुख टेम्पल, ये इसका गेट है, वो गाड़ी हमने लगा दी है। क्या ये भाई, अंदर तो ऐसा लग रहा है कुछ लिख रखा है, यदि पानी का स्तर इस लाल रेखा के नीचे हो तभी ऊपर की टंकी में पानी भरे। हम क्यों भरे भाई, चलो जान दो गड्डी। तो यहाँ से पैदल पैदल जाना है अपन को। तो अभी हम पानी भर रहे हैं, बस तो आयरन बहुत है पानी में। अच्छा, ये कैसे पता पड़ेगा, पी के देख पता पड़ेगा। पहाड़ का पानी है और लाल दिख रहा है तो बहुत कला सूखा है पानी पीने से। मारो में प्यास लगी तो उसमें से पत्थर का पानी है ना यार। हाँ ये बात भी है, मीठा भी है, पत्थरों में रहता है, बॉडी के लिए अच्छा तो है ये। इतना अच्छा नहीं है, गले में इंसुवोट हो जाएगा, गले जो फूल जाते हैं ना इधर से, ये ऐसे ऐसे मतलब जिन लोगों को गले ऐसे जाते हैं मोटे मोटे से, और इधर से ये। तो गाइस हम रिकमेंड नहीं करेंगे यहाँ का पानी पीना, मत करना, मत पीना पानी, मत पीना। ठीक है।
पानी में तो बड़ा लगता हुआ बैठा होगा तो भी गमुक टेम्पल में अपन को सबसे पहले सीमेंट जैसी एक रोड है वो पार करनी है, फिर उसके बाद फिर ये सीढ़ी आ जाएगी और सीढ़ियाँ पहाड़ी से बहुत नीचे हैं, बहुत ज़्यादा चलना पड़ेगा, कम से कम 1000 सीढ़ियाँ हैं, 1000 से भी ज़्यादा, और एकदम जंगल इलाका है। और फिर आधा घंटे की ट्रेकिंग करने के बाद हम यहाँ पर आ गए थे गमुक टेम्पल, यहाँ पर मंदिर प्रांगण में। तोड़ रोक देखने के बाद हम चले गए थे सनसेट पॉइंट। हाँ देखो अंकल, अगर टिकट इतना महंगा नहीं होता था तो हम घोड़े में बैठने का सोच ले रहे। मैं क्या करूँ, वो तो वो क्या बोलते हैं, 400 का टिकट था जिसके हाथ में लड़ी जिसकी भैंस, 120 रुपए का एक टिकट, 130 बोल सकते हैं भैया, नहीं बैठेगा तो 200 जमा करवा जा। तो ये माउंट आबू का ज्यादा, मुझे लगता है ये माउंट आबू का ज्यादा वो है, यहाँ पर ज्यादा टूरिस्ट आते हैं। माउंट आबू में आना, कई जगह यहाँ पर आ रहे हो तो थोड़ा देख के आना, मतलब देख के क्या आना है, मतलब थोड़ा आने का, एक जने का टिकट है सनसेट का 130 और स्टूडेंट हो तो 50 रुपए में हो जाएगा, तो वो थोड़ा देख लेना आप, बाकी तो सब बढ़िया है। सो गाइस, व्लॉग अभी मैंने हैंड ओवर कर लिया है क्योंकि मेरे पास ज्यादा सब्सक्राइबर्स है। अब हम आ चुके हैं सनसेट पॉइंट पे अच्छे वाले, और यहाँ पे सबसे टॉप पे जाएंगे, व्यू आप चेक कर सकते हैं गाइस, व्यू बहुत ज्यादा ही सही है। क्या हो गया खराब, आप लोग बोलिए नहीं, इनक्रेडिबल इंडिया नहीं है, मुझे लगता नहीं होगा। बोलो भैया चलने ले, और फिर अगले दिन सुबह हमने चेकआउट कर लिया था रूम, ये होटल ओएसिस में रुके थे हम, यहाँ पर एसी वाले रूम और नॉन एसी दोनों हैं, और ये बस स्टैंड से सीधी जो सड़क आ रही है वहां से अपन को सीधा आना है और पुलिस चौकी से राइट लेना है, लेफ्ट में आ जाएगी।
ये ऐसा कुछ होटल है, लेफ्ट में रिसेप्शन है और लेफ्ट में और भी रूम है, राइट में भी रूम है और ऊपर गार्डन है। गीजर वीजर यहाँ पर 24 घंटे गीजर की सुविधा है। बाथरूम कॉमन भी है और सेपरेट भी है। ये वाला रूम हमने लिया था एक दिन का 600 रुपये, डबल बेड है, आराम से पर 3 जने हम आ गए थे। और फिर माउंट आबू से हम चले गए थे अंबाजी, बस का किराया एक जने का 40 रुपये। फिर अंबाजी से हम ऑटो करके गब्बर चले गए थे और ऑटो में पर पर्सन 20 रुपये सवारी है। और अंबाजी में हमने ट्राम करी तो ट्राम का एक जने का किराया 125 रुपये आने जाने। और फिर हमने खाना खाया था तुलसी रेस्टोरेंट पे अंबाजी के जस्ट सामने फर्स्ट फ्लोर पे, 200 रुपये गुजराती थाली अनलिमिटेड। आपके यूट्यूबर की गाड़ी खराब हो चुकी है। अरे तुम इधर है, अब क्या करे बताओ। अरे तुम इधर है यार, एक बार ये यूट्यूबर ऐसा लड़ता है, एक बार चलेगी नहीं इसलिए क्या कर रहा है। तुझे बैठना, तू बोल गजी, तू आगे बैठा और तू पीछे बैठ। ये मेरे से जिद कर रहे हैं। अरे उतर भाई, ये देखिए नशा हो रहा है क्या, बैठना उधर। ये देखिए, अरे उधर बैठना।